Hi, what's up guys, welcome. एक और नई वीडियो IELTS राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे Owing to का यूज़ इंग्लिश सेंसेस में कैसे किया जाता है. दोस्तों, जैसे हम बिकॉज ऑफ, ड्यू टू का यूज़ करते हैं इंग्लिश सेंसेस में, वैसे ही हम Owing to का यूज़ करते हैं इंग्लिश सेंसेस में. यानी कि ये तीनों शब्द आपस में इंटरचेंजेबल हैं. आइए प्रैक्टिस सेंसेस के माध्यम से जानते हैं Owing to का प्रयोग इंग्लिश सेंसेस में कैसे किया जाता है. फर्स्ट सेंटेंस, आई डिडेंट अटेंड द मीटिंग Owing to द हेडेक. मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की क्योंकि मेरे सर में दर्द था. सो दोस्तों, यहाँ पे आप बिकॉज ऑफ का उपयोग कर सकते थे. आई डिडेंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ऑफ द हेडेक. या फिर ड्यू टू का उपयोग भी किया जा सकता था. आई डिडेंट अटेंड द मीटिंग ड्यू टू द हेडेक. दोस्तों, अब Owing to की क्या इम्पोर्टेंस है. अगर आप IELTS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो दोस्तों, अपनी IELTS राइटिंग में अगर आपने एक सेंटेंस में बिकॉज ऑफ का उपयोग किया है, दूसरे सेंटेंस में Owing to का उपयोग कीजिए, तीसरे सेंटेंस में ड्यू टू का उपयोग कीजिए. इससे आपकी IELTS राइटिंग बेटर हो जाएगी, अच्छे बैंड आने की संभावना बढ़ जाएगी. राइट दोस्तों, एक बात और समझे. Owing to, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू के बाद हम नाउन फ्रेज का उपयोग करते हैं. जैसे कि बिकॉज के बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही बिकॉज ऑफ के बाद, Owing to के बाद या फिर ड्यू टू के बाद नाउन फ्रेज का उपयोग किया जाएगा. यहाँ पर हमने अभी और 7 सेंसेस डिस्कस करने हैं. वहाँ पर आप ध्यान से देखना, सभी के पीछे नाउन फ्रेज का उपयोग किया जाएगा. राइट दोस्तों, यही स्ट्रक्चर है Owing to के बाद यूज़ करने के लिए, याद रखना. नेक्स्ट सेंटेंस. अब दोस्तों, Owing to का उपयोग हमने सेंटेंस के मिडल में भी यूज़ किया था. अब हम जानते हैं Owing to का उपयोग हम एट द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस में कैसे करते हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ का करते हैं. Owing to a lack of funds, the project will not continue next year. फंड्स की कमी होने के कारण प्रोजेक्ट को अगले साल कंटिन्यू नहीं किया जाएगा. सो यहाँ पे Owing to की जगह हम ये भी लिख सकते थे बिकॉज ऑफ ए लैक ऑफ फंड्स, या फिर ड्यू टू ए लैक ऑफ फंड्स. राइट, नेक्स्ट सेंटेंस. जैसे कि यहाँ पे तो मैंने लिख ही दिया है ड्यू टू या फिर Owing to द हैवी ट्रैफिक ही वॉज लेट, या बिकॉज ऑफ द हैवी ट्रैफिक ही वॉज लेट. राइट दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस. Owing to his illness, he could not continue with his studies. बीमारी के कारण वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सका. राइट दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस. Owing to the bad weather, we didn't go to the park. बैड वेदर होने के कारण हम पार्क में नहीं गए. तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स, आप देखें Owing to, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू द बैड वेदर, बिकॉज ऑफ द बैड वेदर. यहाँ पे भी देखो, हमने नाउन फ्रेज का उपयोग किया है. Owing to his इलनेस भी नाउन फ्रेज, Owing to द हैवी ट्रैफिक नाउन फ्रेज. राइट, नेक्स्ट. फ्लाइट BA213 हैज़ बीन डिलेड Owing to fog. फोग का मतलब होता है धुंध. राइट, सो बिकॉज ऑफ फोग, ड्यू टू फॉग, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं. राइट, Owing to की जानकारी होगी तो आपके पास इन शब्दों को यूज़ करने की वैरायटी आ जाएगी. राइट, फ्लाइट BA213 लेट हो गई है, किस कारण, फॉग के कारण. यहाँ पे हैज़ बीन यानी कि पैसिव सेंटेंस यूज़ किया है. नेक्स्ट सेंटेंस. द केस वॉज डिसमिस्ड Owing to lack of support. केस को खारिज कर दिया है क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है उस केस को कोर्ट में चलाने के लिए.
राइट दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए, द केस वॉज डिसमिस्ड, किसने की है उसकी बात नहीं की, जज ने की है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट को आगे रखा है, पैसिव वॉइस, द केस वॉज डिसमिस्ड ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट या ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, ओइंग टू लैक ऑफ सपोर्ट या फिर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट, जैसे मर्जी लिखते हैं। सपोर्ट की जगह हम एविडेंस भी लिख सकते हैं, एविडेंस हम कहते हैं प्रूफ को, राइट। दे कुड नॉट क्रॉस द रिवर ओइंग टू द फ्लड, फ्लड होता है बाढ़ आ जाना, पानी जब बहुत ज़्यादा आ जाता है ना बारिश के दिनों में, उसे हम फ्लड कहते हैं। दे कुड नॉट क्रॉस द रिवर, वो रिवर को क्रॉस नहीं कर सके क्योंकि फ्लड के कारण, राइट, क्योंकि बाढ़ आई हुई थी। सो दोस्तों, ऐसे हम ओइंग टू का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू का उपयोग कैसे करना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप मुझसे आयस राइटिंग या फिर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेना चाहते हो, मेरा मोबाइल नंबर चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।